गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यूनिट टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी वर डिस्कसिंग. आवर टुडेज टॉपिक इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 57, 58, 59 इन एनसीईआरटी बुक. यू हैव टू रीड दिस टॉपिक. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स. ये जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में डिफरेंट एटम्स के, इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू थ्री रूल्स. फर्स्ट वन इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. फर्स्ट वन इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ये जो वर्ड जो है ऑफ बाउ, इसका जर्मन में क्या मतलब है? बिल्डिंग अप. यानी बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है कि हम ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं विद इलेक्ट्रॉन से. ये जो प्रिंसिपल जो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इट स्टेट्स एज फॉलोज. इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. यानी इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले ऑक्यूपाई करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेगा जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स भर ना जाए. ये जो ऑर्डर जो है एनर्जीज का ऑफ द ऑर्बिटल्स वो इंक्रीज होता है और ये ऑर्डर ऐसे फॉलो कर रहा है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4s, 5d, 6p, 7s, 5s, 6d, 7p. ये जो ऑर्डर जो है ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p. ये जो ऑर्डर जो है ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स, इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस l रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग इन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में जितनी कम जो वैल्यू होगी n प्लस l की ऑर्बिटल के लिए, उतनी कम उसकी एनर्जी होगी. लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में n प्लस l वैल्यू सेम होगी तो उस ऑर्बिटल की जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू कम है उसकी लोअर एनर्जी होगी. सो वी कैन सी इन द टेबल टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन, वैल्यू ऑफ n इज 1, टाइप ऑफ ऑर्बिटल 1s, तो वैल्यू ऑफ n क्या है, n इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ l क्या हुआ, 0 हुआ, वैल्यू ऑफ n प्लस l 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, रिलेटिव एनर्जी लोएस्ट एनर्जी. टाइप ऑफ ऑर्बिटल में नेक्स्ट इज 2s, वैल्यू ऑफ n इज 2, वैल्यू ऑफ l 0, 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, हायर एनर्जी देन 1s ऑर्बिटल. फिर 2p के लिए n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू क्या है 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3. यानी 2p ऑर्बिटल्स n इक्वल्स टू 2 हैव लोअर एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल, क्योंकि 3s के लिए भी वैल्यू ऑफ n जो है 3 और वैल्यू ऑफ l 0 है, तो 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3. यानी दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है, 2p के लिए भी और 3s के लिए भी. अब किस ऑर्बिटल में n की वैल्यू कम है, 2p में है n इक्वल्स टू 2 और 3s में n इक्वल्स टू 3 है, तो पहले कौन सा भरा जाएगा, 2p. नेक्स्ट इज 3p, वैल्यू ऑफ n इज 3, वैल्यू ऑफ n l इज 1, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4. 4s के लिए वैल्यू ऑफ n इज 4, वैल्यू ऑफ l इज 0 एंड 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4. ऐसे 3d के लिए वैल्यू ऑफ n इज 3, वैल्यू ऑफ l इज 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू
3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 हो गया. तो 3d ऑर्बिटल्स n इक्वल्स टू 3 हैव लोअर एनर्जी देन 4p n इक्वल्स टू 4 ऑर्बिटल. 4p के लिए वैल्यू ऑफ n इज 4, वैल्यू ऑफ l इज 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5. यानी n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है 3d के लिए और 4p के लिए. तो n इक्वल्स टू 3d के लिए 3 है और 4p के लिए n इक्वल्स टू 4 है. तो सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा? 3d, क्योंकि वहां पे n की वैल्यू क्या है? कम है. नाउ नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये क्या कहता है कि ऑर्बिटल जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनके अपोजिट स्पिन होने चाहिए. यानी अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. नेक्स्ट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पी डी और एफ ऑर्बिटल्स में जब तक नहीं होगी ऑफ अ गिवन सबशेल, जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे. यानी एक एक इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी पी डी एफ और ऑर्बिटल्स में ऑफ अ गिवन सबशेल. ये किस वजह से है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है आइडेंटिकल होते हैं चार्ज में, वो आपस में रिपेल करते हैं अगर सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो. तो हमें ये रिपल्शन जो है वो कम करना है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर जा सके और ऑक्यूपाई करें डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी. ये जो टर्म जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे जो टोटल स्पिन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वो मैक्सिमम होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स वी सी द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट हमने नाइट्रोजन लिया है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. हमारे पास ए बी सी 7-3 कॉन्फिग्रेशन यहाँ पे दे रखी है. तो 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz. यानी 1s में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं यहाँ पे, 2s में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं विद अपोजिट स्पिन, 2px, 2py, 2pz ए कॉन्फिग्रेशन में सिंगली भरे गए हैं विद पैरेलल स्पिन्स. तो टोटल स्पिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कितना है? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 3/2. बी कॉन्फिग्रेशन में अगर हम देखें यहाँ पे तो 1s फुली फिल्ड है, 1s पूरे फुली फिल्ड है, 2s भी भरा हुआ है. 2px में यहाँ पे देखें हम तो सिंगली फिल्ड है और 2py उसका जो स्पिन है वो कैसा? एंटी क्लॉकवाइज. 2pz में क्लॉकवाइज है. तो टोटल स्पिन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू प्लस हाफ. सी कॉन्फिग्रेशन में देखें 2px जो है वो पूरी तरीके से भर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स 2px में डाल दिए. 2py सिंगली फिल्ड के रहा और 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो टोटल स्पिन कितना हुआ? हाफ. तो अगर हम हंट्स रूल में देखें यहाँ पे जो कॉन्फिग्रेशन ए जो है जिसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2px, 2py, 2pz ऑर्बिटल्स जिनका पैरेलल स्पिन्स जो है जिसका पैरेलल स्पिन्स जो है वो करेक्ट है. लेकिन जो कॉन्फिग्रेशन बी जो है वो इनकरेक्ट है. और थर्ड जो कॉन्फिग्रेशन है जिसमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो गई है यहाँ पे 2px ऑर्बिटल में, जहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में नहीं है, इट इज इनकरेक्ट. तो जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है उसका क्या मतलब है कि जो टोटल स्पिन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वो मैक्सिमम होना चाहिए. यानी अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि वहां पे क्या है ए कॉन्फिग्रेशन में क्या है, टोटल स्पिन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का वो 3/2 है और पैरेलल स्पिन से इट इज करेक्ट.